एक बार फिर से रुक करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां हेड स्पीच मामले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हेड स्पीच मामले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने भाजपा के 8 नेताओं को नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां रायपुर पुलिस ने 8 भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप भाजपा नेताओं पर लगा है, जिसके बाद पुलिस ने 8 भाजपा नेताओं पर नोटिस जारी किया है। और इसी के साथ समाज को बांटने वाला संदेश देने का आरोप भाजपा नेताओं पर लगा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जुड़ रहे हैं। मोहन, हेड स्पीच मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, पुलिस ने 8 भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया है, क्या पूरी जानकारी इसकी? मोहन, हेड स्पीच मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, पुलिस ने 8 भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया है, क्या पूरी जानकारी इसकी? पिछले दिनों जो बेमेतरा में घटना सामने आई थी, उसके बाद प्रशासन इस बात को लेकर सजग था कि कोई ऐसी अफवाह ना फैलाए जिससे कि दो वर्गों में, समाज में गलत संदेश जाए, और इसीलिए पुलिस ने इस बात के सख्त हिदायत के साथ निगरानी रखी थी कि सोशल मीडिया में कोई हेट स्पीच तो नहीं दे रहा जिससे किसी समाज विशेष की भावनाएं आहत हो। अब जानकारी आ रही है कि बीजेपी के नेताओं ने उस दौरान कई ऐसे ट्वीट किए थे जिनकी वजह से किसी वर्ग विशेष को ठेस लग सकती है या उनकी भावनाएं जो है वो आहत हो सकती है। उन सब बातों की मॉनिटरिंग करते हुए 8 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो कि इस तरीके के ट्वीट कर रहे थे, इस तरीके के मैसेज भेज रहे थे, उन पर कार्रवाई करने का जो है वो पुलिस ने कदम आगे बढ़ा दिया है। और इसी तहत अलग अलग दिन इन 8 नेताओं को पुलिस ने बुलाया है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। तो पूछताछ के लिए ये कदम जो है वो उठाया गया है और इन नेताओं को अपनी सफाई यहाँ पर पुलिस के पास पहुंचकर देनी होगी। जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मोहन आपका। तो बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पुलिस ने हेड स्पीच मामले में बड़ी कार्रवाई की है, पुलिस ने 8 भाजपा नेताओं पर नोटिस जारी किया है।